सी अल्टीमेटली मशीन चलेंगी 24 घंटे सातों दिन 365 डेज चलने वाली है। तो अगर आप इसमें 70% एनर्जी सेविंग कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपका हाइड्रोलिक मशीन में 10 किलोवाट एनर्जी लगता है तो इसमें मात्र 3 किलोवाट आपका एनर्जी लगेगा एक घंटे में, सिर्फ 3 किलोवाट एक घंटे में वर्सेस 10 किलोवाट ऑफ हाइड्रोलिक। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कस्टमर के लिए। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड, वेलकम टू प्लास्ट इंडिया 2023। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो नई टेक्नोलॉजी के इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन शोकेस कर रहे हैं, और आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड है या इस तरह की बिजनेस में आप हो तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? थैंक यू शुभम, थैंक यू वेरी मच। टॉकिंग अबाउट फानुक, वी आर बेसिकली CNC कंपनी, और CNC से हमने शुरुआत करके, CNC जैसा कि अगर आपको पता हो किसी भी मशीन का ब्रेन जो है वो CNC सिस्टम होता है, उससे फानुक ने शुरुआत करी। और आज की डेट में हम अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं इंडस्ट्री के लिए। फानुक एक तरीके से फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है, तो जितनी भी फैक्ट्रीज होंगी वहाँ पर फानुक का होना लाजमी है बेसिकली। तो हमारी मशीन जो है डिफरेंट एप्लीकेशन में काम आती हैं। तो स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, क्योंकि ये प्लास्टिक शो है उसके बारे में हम बताते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जन्म जो है, ऑल इलेक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग का जन्म जो है फानुक के थ्रू हुआ था। हमारा 38 ईयर्स एक्सपीरियंस है ऑल इलेक्ट्रिक मशीन्स को बनाने में। आज की डेट में हमारा वर्ल्ड वाइड जो इंस्टॉल्ड बेस है 75,100 मशीन्स वर्ल्ड वाइड में डिफरेंट एप्लीकेशंस में, और इंडिया में अराउंड 1350 मशीन्स हमारी चल रही हैं। इंडिया के लिए कंपैरेटिवली ये टेक्नोलॉजी नई है, बट यस अभी ये बड़ी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है ये वाली टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर हम शोकेस कर रहे हैं अपनी दो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, 100 टन मशीन जिसमें कि हम लेंस बना रहे हैं, 150 टन मशीन जिसमें कि हम मेडिकल डिवाइस पार्ट बना रहे हैं। इसके अलावा हम CNC वायर कट मशीन भी ऑफर करते हैं, वो इस तरफ में है, जिसमें कि आपके क्रिटिकल मोल्ड्स आप बना सकते हैं। तो ये हुआ फानुक के बारे में। बाकी फानुक वर्ल्ड वाइड जो है ऑटोमेशन के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो रोबोट्स जितने भी आप देखते हैं शॉप फ्लोर में या कहीं जितने भी बॉडी बिल्डिंग शॉप में ऑटोमोटिव कंपनीज में, वो सारे आपको मिलेंगे फानुक रोबोट्स। जैसे चाहे मारुति हो, चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे टोयोटा हो, आपको फानुक रोबोट्स नज़र आ जाएंगे। पर यहाँ पर हम अपने जो है रोबोट्स का डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्पेस लिमिटेड था हमारे पास में, और क्योंकि ये प्लास्टिक शो है हमने इसको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के लिए लिमिटेड रखा है। अगर आप देखना चाहें किस टाइप के कंपोनेंट्स इन मशीन में बनते हैं तो वो मैं इधर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो बाकी किसी मशीन में नहीं बन पाएंगे वो इन मशीन में, जैसे कि अगर आप ये देखें सिक्योरिटी कैमरा लेंस, एक बहुत ही क्रिटिकल मटेरियल कहलाता है COC। एक्यूरेसी भी चाहिए, एक प्रिसीजन एक्यूरेसी भी चाहिए। जैसे आप अपने स्मार्टफोन में देख रहे होंगे डिजिटल कैमरा लेंस, जिस हिसाब से आपके पिक्चर्स की क्वालिटी इतनी इम्प्रूव हो रही है, वो सब इसीलिए है क्योंकि ये वो इन मशीनों में बनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड जो है फानुक इज ए प्रेफर्ड चॉइस फॉर मेकिंग दिस लेंस मोल्डिंग कंपोनेंट पर्टिकुलरली, करेक्ट। एंड लाइक वाइज वी हैव अनदर मशीन डिस्प्ले ऑल्सो। इफ यू कैन, जैसे मशीन्स के बारे में बात करें क्या अलग होने वाले हैं और किस तरह की और भी जो मशीन्स है उससे कुछ अलग होने वाला है? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है आपकी मशीन के बारे में कि मशीन का प्रोडक्टिविटी हायर हो, मशीन का पावर कंजम्पशन कम हो, और मशीन की कंसिस्टेंसी जो है बेहतरीन हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इस ऑल इलेक्ट्रिक मशीन में मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है वो आपकी लोवेस्ट रहना चाहिए, तो वो इस मशीन में आपको मिलेगा इन सब वजह से। यहाँ पर हम जो है एक लेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो कि पहले जो है ग्लास से बनता था लेंस, और उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस हुआ करते थे, पॉलिशिंग करना पड़ती थी। यहाँ पर आप सिंगल शॉट में आप ऐसा लेंस बना रहे हैं जो कि आपको पूरा मैग्निफिकेशन में यूज़ होता है, इस टाइप का ये लेंस कंपोनेंट है। अगर आप देखना चाहें तो ये वाला लेंस हम इसमें मशीन में बना रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ट्विन लूप है ये, इसमें 5x मैग्नीफिकेशन है, इसमें 10x मैग्नीफिकेशन है। तो एक शॉट में आपका ये लेंस निकलता है 90 सेकंड के अंदर में, एंड दैट विल बी यूज फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन। चाहे आप उसको रीड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप की हम एप्लीकेशन भी दे रहे हैं अपने पैकेज के साथ में कि आप इसको छोटे वर्ड्स को आप इसमें रीड कर सकें और कस्टमर जो है इसका मतलब समझ सकें। ये है इसका एडवांटेज। यस सर,
जैसे हाइड्रोलिक जो ड्राइव पे है और ये इलेक्ट्रिक फुली इलेक्ट्रिक है, डिफरेंस क्या हो जाता है इसमें? डिफरेंस का सबसे बड़ा डिफरेंस जो है लोगों को समझना चाहिए वो है एनर्जी सेविंग। सी अल्टीमेटली मशीन चलेंगी 24 घंटे सातों दिन 365 डेज चलने वाली है। तो अगर आप इसमें 70% एनर्जी सेविंग कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपका हाइड्रोलिक मशीन में 10 किलोवाट एनर्जी लगता है तो इसमें मात्र 3 किलोवाट आपका एनर्जी लगेगा एक घंटे में, सिर्फ 3 किलोवाट एक घंटे में वर्सेस 10 किलोवाट ऑफ हाइड्रोलिक। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कस्टमर के लिए। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है, मान लीजिए कि आपने लेंस बनाया, ये आपका है मान लीजिए 20 ग्राम का कंपोनेंट है, तो वो 20 ग्राम आपका कंटिन्यूसली 20 ग्राम ही रहना चाहिए, उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अगर उसमें वेरिएशन आ गया तो आपका शॉर्ट वेट जो है रॉ मटेरियल वेस्ट होता है आपका। तो एक तरीके से रॉ मटेरियल सेविंग आप इसमें दिखा रहे हैं, वो एक आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में आपकी। तो रॉ मटेरियल आप सेव कर रहे हैं, आप पावर सेविंग कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है, 20% के रेंज में आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। यहाँ पर हम एक 32 कैविटी का मोल्ड बना चला रहे हैं, एक सैंपल मिले एक सैंपल, इसमें ये मेडिकल डिवाइस का कंपोनेंट है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये नीडल कैप कहलाता है, इंसुलिन सिरिंजेस में ये यूज़ होता है। इसको हम एक शॉट में 32 कैविटीज निकाल रहे हैं, 11 सेकंड का साइकिल टाइम है इसमें। ये रॉ मटेरियल पीपी है और इसको जो है 32 कैविटीज को रोबोट पिकअप कर रहा है और पीछे सेग्रीगेट कर रहा है अलग अलग बिन्स में जाके। तो ये मैनलेस ऑपरेशन है, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस में आपको मैनलेस ऑपरेशन रहना चाहिए, हैंड को टच नहीं होना चाहिए बेसिकली, इस हिसाब से हमने इसको शोकेस किया हुआ है। कोई ये मोल्डिंग मशीन ले रहे हैं तो वो मोल्ड के साथ ही आते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग मोल्ड आते हैं? ये सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। ऐसा है कि मोल्ड जो है एक बहुत ही अलग इंडस्ट्री है, तो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं मोल्ड बनाने वाले, जैसे मेडिकल इंडस्ट्री के लिए अलग एक्सपर्ट्स हैं, पैकेजिंग के लिए अलग हैं और ऑटोमोटिव के लिए अलग हैं। तो उसमें मोल्ड आपको अलग से लेना पड़ता है, बट वो बड़ा आसान रहता है क्योंकि हम नॉर्मली काफ़ी इंटरेक्ट करते रहते हैं मोल्ड मैन्युफैक्चरर के साथ में। तो इसमें ये आपको आराम से मोल्ड बाहर से मिलते हैं और मशीन हमसे मिलती है, तो उसके मोल्ड और मशीन की मैरिज हो सकती है और उसके साथ में आप काम कर सकते हैं। ये जितने भी आपके पास मोल्डिंग मशीन है सारे ई ड्राइव पे है? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि ऑल इलेक्ट्रिक मशीन का जन्म ही 1984 में फानुक ने किया था, तो हम केवल ऑल इलेक्ट्रिक मशीन ही बनाते हैं। हमारी रेंज है 15 टन से लेकर 450 टन तक की मशीन हम बनाते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस के हिसाब से ये मशीन्स यूज होती हैं, ऑटोमोटिव में, मेडिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में और पैकेजिंग में। इसके अलावा जो इंडिया के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, आपने देखा होगा आज की डेट में इंडिया में काफ़ी शुरू हुई है, उसमें फानुक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, कनेक्टर्स हो गए, डिजिटल कैमरा लेंसेज हो गए, इस सब में फानुक का ही रोल प्ले होने वाला है और हमारी मशीन्स इसमें बड़ी प्रिफर की जाती हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में शुरू होने वाली है। इसके अलावा हम कुछ स्पेशलाइज एप्लीकेशन ऑफर करते हैं, जैसे कि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग, सिरेमिक इंजेक्शन मोल्डिंग, इसमें भी हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं अपनी स्पेशलाइज मशीन के द्वारा। अब यहाँ पर मैं आना चाहूँगा अपनी सर्विस के ऊपर। अभी कोई भी मशीन होगी उसको सर्विस चाहिए, एक ये चीज़ देख पा रहे हैं आप, लाइफ टाइम सपोर्ट। ये एक ऐसा सपोर्ट है जिसके जब तक आप मशीन यूज़ करेंगे तब तक हम आपको सपोर्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी भले ही ऑब्सोलीट हो जाए, किसी किसी केसेस में कंपोनेंट चेंज हो जाए, बट हम वो पार्ट का रिप्लेसमेंट भी आपको देंगे। और उसके अलावा हमारी वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, जिसमें कि हम आपको मशीन का हेल्थ चेकअप करते हैं एट ए रेगुलर फ्रिक्वेंसी से, 2 साल के बाद में मशीन को हेल्थ चेकअप की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उसके लिए हमारे प्रॉपर सर्विस सेटअप यहाँ पे अवेलेबल है। आज की डेट में हमारे 21 सर्विस लोकेशन है इंडिया के अंदर में। यस, ये आप अगर देख सकें तो यहाँ पर इस टाइप से हमारा नेटवर्क है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, हमारे 6 टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं जहाँ पर कि हमारा कंप्लीट सेटअप है, कंप्लीट शोरूम है मशीन्स का, हमारे डिस्प्ले करते हैं और कस्टमर्स को इनवाइट करते हैं कि आप आइए अपने कंपोनेंट मोल्ड को लेके और हम उसको ट्राई आउट कर सकते हैं और वो हम दिखा सकते हैं। इसके अलावा एक और मशीन हम जो ऑफर कर रहे हैं वो यहाँ पर वो है, ये रोबो कट मशीन। ये आपका क्रिटिकल जो कंपोनेंट्स हैं, मोल्ड इंसर्ट्स हैं,
उसको बनाने के लिए ये मशीन काम आती है। और ये एक CNC वायर कट के नाम से इंडस्ट्री में जानी जाती है। तो जितने भी क्रिटिकल मोल्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं और मशीनिंग करने वाले कस्टमर्स हैं, वो इस मशीन को यूज़ करते हैं और इसको मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं क्रिटिकल कंपोनेंट्स को बनाने में। अगर मैं दिखा सकूं यहाँ पे, तो आपको इस टाइप के सैंपल से जो हमारी मशीन में कट किए गए हैं बाला जस्ट, तो दिस काइंड ऑफ सैंपल्स आर बीइंग डन ऑन दिस मशीन्स, इफ़ यू कैन जस्ट होल इट अराउंड। तो ये सारे सैंपल्स जो हैं इस मशीन से ही प्रोड्यूस किए गए हैं। तो हाईली प्रिसीजन चाहिए यहाँ पर ये मशीन में, हाईली प्रिसीजन कंपोनेंट देखिए आप, जैसे ये आकृति है, यहाँ पे फ्रंट में घोड़ा है और बैक साइड में लॉयन का शेप है। तो इस टाइप के भी क्रिटिकल कंपोनेंट जो है इस मशीन में कट किए जाते हैं। और जैसा कि अभी इंडस्ट्री में बड़ा कॉमन हो गया है इंडस्ट्री 4.0 या फिर IoT जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, इसमें भी फानुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने अपनी तीनों मशीन्स इसमें कनेक्ट की हुई हैं। ये तीनों मशीन्स आपकी कनेक्ट हैं इसमें और ये आपको दिखाता है कि क्या एक्चुअली में प्रोडक्शन उसमें चल रहा है, कितने आपके शॉट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो आपको इंडिविजुअली शॉप फ्लोर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लैपटॉप पे अपने रूम में बैठ के ये सारा स्टेटस देख सकते हैं और उसके हिसाब से करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो इसमें अभी तो हमने तीन मशीन्स कनेक्ट की हुई हैं, बट हमारे पास जो कैपेबिलिटी है कि आप 1000 मशीन्स तक अपने शॉप फ्लोर में कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, और आप अपना लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको क्या करेक्टिव एक्शन लेना है। तो ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही कहना चाहिए नई, बट फानुक इसको पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, तो हमारे लिए ये देना बड़ा आसान हो जाता है इंडस्ट्री। अगर बजट को लेकर देखें क्या कितना बजट के अंदर, देखिए सब इसमें ऐसा है, बजट की अगर बात करें आप तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी के लिए भी होता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो वही हम इसमें ज़्यादा आपको फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि कैपिटल इक्विपमेंट में आपको कॉस्ट को 4 या 5 साल के पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये मशीन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट में नो डाउट हाइड्रोलिक मशीन के मुकाबले ये मशीन की कॉस्ट दुगनी होगी, बट जो आपका रिकवरी है वो हार्डली जो भी आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो हार्डली 1 या 1.5 साल में आपका रिकवर हो जाता है, और उसके बाद में आपका बोनस है, क्योंकि इन मशीन्स का लाइफ स्पैन आराम से आपका 20 से 25 साल रहता है। तो ये बोनस आपको जो है रिकरिंग एडवांटेज रहता है। ठीक है सर, थैंक यू। और सर्विसिंग जैसे यहाँ पर ऑफिस, मेन ऑफिस की बात करें, वो कहाँ पर है? फानुक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम कस्टमर के पास में रहें सर्विस देने के लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने लगभग इंडिया के अंदर में 21 ऑफिसेज हैं हमारे सर्विस ऑफिसेज में, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम यहाँ से श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इनको भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर भी जो हमारे इंस्टॉल्ड बेस है हम इनको भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ना सिर्फ इंडिया, 21 ऑफिसेज के थ्रू हम अपना नेबरिंग कंट्रीज़ को भी यहाँ से सपोर्ट करते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? हमारे सेल्स ऑफिसेज हैं डिफरेंट लोकेशन में, जैसे नॉर्थ जोन के लिए हमारा हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वेस्ट जोन के लिए है पुणे में, और साउथ जोन के लिए है बैंगलोर और चेन्नई में। तो ये हमारे डिफरेंट लोकेशंस हैं, यहाँ पर हमारे सेल्स स्टाफ है, और हमारे लिए सेल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन। तो हमारी एप्लीकेशन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आपको राइट प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में मदद करती है, जो आपको मोल्ड ट्रायल करती है, जो आपका कटिंग ट्रायल्स करते हैं, उसके बाद में जब आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब हम सेल्स पे आते हैं। तो हमारा शुरुआत होती है एप्लीकेशन सपोर्ट से। जैसे अगर हम रोबोट का ही एग्जाम्पल ले लें, तो हमारा रोबोट सिस्टम इंजीनियरिंग एक सेपरेट टीम है, वो जाके आपके शॉप फ्लोर में विजिट करेगा, वो देखेंगे कि आपकी ऑटोमेशन की एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है, फिर फिजिबिलिटी और वायबिलिटी को चेक करके वो आपको राइट रोबोट मॉडल सेलेक्ट करके वो आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि सिंपली आपको रोबोट लगा देने का है, ऐसा नहीं, प्रॉपरली स्टडी करने के बाद में हम आपको सजेस्ट करेंगे, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम मना कर देंगे। तो ये हमारी टीम का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसीलिए आज की डेट में आप कह सकते हैं कि फानुक जो है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में प्रिफर्ड नाम है। और इसमें आज की डेट में अगर हम इंडिया में ही देखें तो हमारे 3 कस्टमर्स हमारे पास में ऐसे हैं जो कि 100 से ज़्यादा हमारी मशीन यूज़ कर रहे हैं। हाँ, 2 कस्टमर्स हैं मेडिकल फील्ड में और 1 कस्टमर है ऑटोमोटिव फील्ड में। और जिस हिसाब से प्लास्टिक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हमको लगता है कि हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले
करने वाले हैं और हम कस्टमर्स को पूरे अपना सपोर्ट करेंगे ताकि वो इसमें आगे ग्रो कर सकें। वेबसाइट क्या होगी सर? वेबसाइट है www.fanukindia.co.in। थैंक यू सर बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू।